हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम ओड को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। ओड उन रिफ्लेक्टिव और लिरिक पोएम को कहा जाता है जिसमें स्पीकर किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या आइडिया के बारे में अपनी भावनाएं या सेंटिमेंट्स व्यक्त करता है। एक राइटर ओड में ज्यादातर उस चीज का प्रशंसा या उस चीज के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जो उन्हें इंटरेस्ट या इम्पोर्टेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किड्स की ओड्स जैसे ओड टू ऑटम और ओड टू ए नाइटिंगल एटसेट्रा। हालांकि ओड्स पहले इन पर्पस से नहीं लिखा जाता था। ग्रीक ओड्स म्यूजिक और डांसिंग के उद्देश्य से लिखा जाता था। ग्रीक ओड्स में जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था वो था ऑलस और लायर, आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। ओड तीन प्रकार के होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। सबसे पहले हम पिंडारिक ओड को डिस्कस करेंगे। पिंडारिक ओड को पिंडारिक कहा जाता है क्योंकि ग्रीक क्लासिकल पोएट पिंडर ने इसके अच्छे तरह से इस्तेमाल किया था। पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड भी कहा जाता है क्योंकि पिंडारिक ओड ओड की रेगुलर थ्री स्टेंजर पैटर्न को फॉलो करता है। पिंडारिक ओड में तीन स्टेंजर्स होते हैं जिसे स्ट्रॉफे, एंटी स्ट्रॉफे और इपोट कहते हैं। इन तीन टर्म्स समझने से पहले हम कोरस किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। कोरस उन्हें कहते हैं जो मिलके ओड को गाते हैं या परफॉर्म करते हैं। सो स्ट्रोफे में क्या होता है, स्ट्रोफे में कोरस ओड को गाते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। उसी तरह एंटी स्ट्रोफे में कोरस स्ट्रोफे का उल्टा लेफ्ट से राइट में आते हैं। और इपोड में क्या होता है, इपोड परफॉर्म करने के दौरान कोरस स्टेज के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और पूरी ओड की समरी देते हैं। एक पिंडारिक ओड में ये स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड का सीक्वेंस कई बार रिपीट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रे की ओड्स द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बर्ड में स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड की सीक्वेंस को तीन बार रिपीट किया गया है। क्लासिकल टाइम्स में ये पिंडारिक ओड्स उन एथलीट को डेडिकेट किया जाता था जो गेम्स या कोई बड़ी प्रतियोगिता जीतते थे, उनके लिए ये ओड्स परफॉर्म किया जाता था। होरेशियन ओड रोमन पोएट होरेस से उत्पत्ति हुई है। होरेशियन ओड्स की टोन, फॉर्म और विषय वस्तु पोएट होरेस से इंस्पायर्ड है। पिंडारिक ओड्स में जिस तरह स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोट की जो स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता था उस स्ट्रक्चर को होरेस रिजेक्ट करते हैं और शॉर्ट स्टेंजर्स में अपनी ओड्स लिखते हैं और उसी स्टेंजर फॉर्म को पूरी ओड में रिपीट करते हैं। होरेशियन ओड्स डांस और म्यूजिक के पर्पस में नहीं लिखा जाता था बल्कि होरेशियन ओड्स में पर्सनल और इनफॉर्मल टॉपिक्स के ऊपर लिखा जाता था, जैसे लव और फ्रेंडशिप। होरेशियन ओड का एक एग्जांपल है एंड्रू मार्वेल की ओड, ओड ऑन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। इस ओड में पिंडारिक ओड का स्टेंजर स्ट्रक्चर स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोट को फॉलो नहीं किया गया है बल्कि इसमें एक ही स्टेंजा फॉर्म को पूरे ओड में कंटिन्यू किया गया है। अब हम इरेगुलर ओड को डिस्कस करेंगे। इरेगुलर ओड को कौलियन ओड भी कहा जाता है। इरेगुलर ओड पिंडारिक ओड की तरह स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोट की थ्री स्टेंजा पैटर्न के साथ साथ होरेशियन ओड की टू और फोर लाइन की स्टेंजा को भी रिजेक्ट करता है। सो इरेगुलर ओड्स में कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इरेगुलर ओड्स सब्जेक्ट और मूड के हिसाब से चेंज होती रहती है। सेली की ओड, ओड टू द वेस्ट विंड और किड्स की कई सारे ओड्स इरेगुलर ओड की एग्जांपल है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किस किस तरह की ओड्स लिखी गई थी उसको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में सभी तरह की ओड्स लिखी गई थी। एडमंड स्पेंसर ने सबसे पहले पिंडारिक स्टाइल में ओड्स लिखी थी जो था इफिथेलेमियन और प्रोथेलेमियन। उसी तरह जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, थॉमस ग्रे ने भी पिंडारिक ओड्स लिखे थे। 17th सेंचुरी में कावले ने इंग्लिश लैंग्वेज में इरेगुलर ओड्स लिखे। 1800 के दौरान वॉर्ड्सवर्थ ने कावले की इरेगुलर ओड की स्टाइल को फॉलो करके इमिटेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी ओड लिखे। उसी तरह जो दूसरे राइटर्स जिन्होंने ओड्स लिखी थी वो थे कॉलेरिज, केट्स, सेली आदि। इंग्लिश ओड्स में जो कॉमन राइम स्कीम होती थी वो है ए बी ए बी और सी डी ई सी डी ई।
फ्रेंड्स, वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।